हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सखी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइस पैनकेक बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं और बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं राइस पैनकेक बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी। राइस पैनकेक बनाने के लिए मैंने लिए थे 1 कटोरी चावल, बड़ी वाली कटोरी चावल लिए हैं और उसको मैंने रात में भिगो दिया था। और सुबह इस तरह का फाइन पेस्ट थोड़ा सा पानी डालकर तैयार कर लिया है। इसे पीसने में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें। ये मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, ये लिया है मैंने नमक, और ये है अदरक अदरक मिर्ची का पेस्ट, और ये लिया है मैंने शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक प्याज लिए बारीक कटी हुई, एक बॉइल्ड आलू जिसे मैंने कद्दूकस में ग्रेट कर लिया है, ये लिए मैंने एक गाजर जिसे ग्रेट कर लिया है, और ये एक टमाटर है जिसके मैंने अंदर के सीड्स निकाल दिए हैं, और इनो फ्रूट सॉल्ट इसमें अंदर डालने के लिए, और ये मैंने 3-4 चम्मच करीब दही लिया है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। इसमें डाल लेते हैं हम दही, अदरक मिर्ची का पेस्ट, टमाटर, ये डाली गाजर। फ्रेंड्स, ये पैनकेक खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसमें इतनी सारी सब्जियां पड़ती हैं, तो जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं वो पैनकेक बिल्कुल आसानी से खा लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम प्याज। फ्रेंड्स, अब डालेंगे इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक। इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है। थोड़े से डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स अगर ना हो आपके पास तो नॉर्मल मिर्च का यूज कर सकते हैं। अभी इसमें पानी का यूज नहीं करेंगे, अगर देखेंगे हमें जरूरत होगी तो डालेंगे। और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती हैं, अगर हमें जरूरत होगी तो हम पानी डालेंगे। जब तक हम अपने पैन को गर्म होने के लिए रख देते हैं। और फ्रेंड्स, जो इनो फ्रूट सॉल्ट है वो हमें सबसे लास्ट में डालना है, आप पहले से ना डालें, क्योंकि जो इनो है वो अपना फिर काम करना बंद कर देता है अगर ऐसा बहुत पहले आप डाल लेंगे। अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। फ्रेंड्स, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, जिससे कि हमारा ये बैटर थोड़ा सा गीला हो जाए। अब फ्रेंड्स, इस तरह का हमको इस तरह के टेक्सचर का रखना है, इससे ज्यादा हमें पतला नहीं करना है। फ्रेंड्स, चाहें आप तो वैसे अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है, अगर चाहें तो इसमें आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैटर हम एक बाउल में निकालेंगे, जितने बड़े हमें पैनकेक लेने हैं बनाने हैं उतना ही हम बैटर इसमें निकालेंगे। अब इसमें से हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब इनो फ्रूट सॉल्ट, और इस पर इसको एक्टिवेट करने के लिए जरा सा डालेंगे पानी, जिससे कि ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और सारे में हम इनो फ्रूट सॉल्ट पूरे पैटर्न में नहीं डालेंगे, जितने पैनकेक हम बनाते जाएंगे उतना ही हम डालते जाएंगे। अब इस पर डालते हैं हम थोड़ा सा ऑयल और पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं, और इसको पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और अभी फ्रेंड्स, गैस को हम थोड़ा स्लो कर देंगे और इसमें डालेंगे हम अपने पैनकेक को। और इसको हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, इस तरह से चम्मच से इसको फैला देंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल किनारे से,
और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे 2 मिनट के लिए। इसके बाद फिर हम इसको पलटेंगे, ढक्कन खोल कर देखते हैं। इसको करीब 3-4 मिनट हो गए हैं और ये हमारा एक साइड से पक गया है और इसको हम अब फ्लिप कर देंगे और इस पर इस साइड भी हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और दूसरी तरफ से इसको सिकने देंगे। खोल कर देखते हैं, दूसरी तरफ से भी हमारा ये अच्छी तरह से सिक चुका है और इसको उतार लेते हैं। और इसी तरह से हम सारे पैनकेक तैयार करेंगे। इसमें फिर एक और पैटर्न लेते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इनो और इसमें थोड़ा सा पानी इसको एक्टिवेट करने के लिए। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से ही हम सारे तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे सभी पैनकेक बनकर तैयार हो चुके हैं और आइए इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और बहुत ही फ्लफी पैनकेक बनकर तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, आप इसको सुबह के नाश्ते में बनाइए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आने वाली वीडियो और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले मिल सके। और आप ये मेरी सारी रेसिपी फेसबुक पर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।